नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लगातार यूपी सरकार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पताल का जायजा लिया और यहां की व्यवस्थाएं देखी। सरकार कोरोना को लेकर क्या तैयारियां कर रही है, इसकी जानकारी दी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने। उत्तर प्रदेश में कोरोना यानी कोविड-19 के महामारी से रोकथाम के लिए कल और आज में बहुत सारे कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 प्रतिष्ठानों का भ्रमण किया है। सर्वप्रथम वो कोविड अस्पताल जो है लेवल 3 का जो मेन हॉस्पिटल है, जिसको राजधानी हॉस्पिटल हम लोग नामकरण कर रहे हैं, जो ट्रॉमा सेंटर है SGPGI का, उसका निरीक्षण किया। वहां लगभग 200 बेड का ये हॉस्पिटल है और उन्होंने जो इंटेंसिव केयर वार्ड है और जहां जो है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट लगा था, जहां आइसोलेशन वार्ड है और फिर जहां अलग अलग व्यवस्था वहां के मेडिकल के स्टाफ की थी, उस पूरे वार्ड का, उस पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया। हाल में अभी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक संख्या कोविड के पेशेंट्स की नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो ये हॉस्पिटल बना है PGI का ट्रॉमा सेंटर में, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बना है। इसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आज पुनः एक जो है सेंटर का निरीक्षण किया, जहां पर फूड पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। और इस सेंटर के निरीक्षण में वहां पर वहां के जिलाधिकारी, वहां के कमिश्नर और नगर आयुक्त और पुलिस कमिश्नर, चारों अधिकारी, जॉइंट पुलिस कमिश्नर भी वहां थे। और लखनऊ में विशेष रूप से बहुत अच्छे जो है कम्युनिटी किचन अब शुरू कर दिए गए हैं। और कल भी और आज भी जब यहां निरीक्षण किया तो लखनऊ में ही जो है बहुत अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में फूड पैकेट अब तैयार हो रहे हैं। इन फूड पैकेट्स का इस्तेमाल रेलवे स्टेशन पे किया गया, जगह जगह जहां पर लोग रुके हुए वहां किया गया है। तो यहां भी महानगर के कल्याण मंडपम जो वहां है, जो मैरिज हॉल है, उसी को कन्वर्ट करके कम्युनिटी किचन बनाया गया है और बहुत बढ़िया फैसिलिटी जो है मॉडर्न फैसिलिटी के रूप में जो है वहां स्थापित की गई है। वहां का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया। वहीं प्रदेश में सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम को लेकर मीडिया की तरफ से चलाई जा रही जागरूकता मुहिम की खबरों पर अपर मुख्य सचिव ने आभार जताया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 11 बजे से बैठक की। लॉकडाउन की अवधि में प्रदेशवासियों के द्वारा जो प्रदेशवासियों के लिए जो खाद्यान्न और सब्जी और दूध की आपूर्ति की जानी है, उसके संदर्भ में भी उन्होंने समीक्षा की। और हमें बताकर ये खुशी है कि पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से अब जो है डोर टू डोर डिलीवरी का प्रभाव भी दिख रहा है। मैं मीडिया के सभी हमारे साथियों का, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया का, हम लोग विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। अच्छी कवरेज आई है और मैं चाहूंगा कि जो कोरोना वॉरियर्स के नाम पर मीडिया में प्रचार करके उत्साहवर्धन आम जन का, संस्थाओं का, यूथ का, पुलिस का, हॉस्पिटल के स्टाफ का और जो भी लोग जुटे हैं, लड़ रहे हैं इस पूरे कोरोना वायरस के कार्य में, उनका जो भी सहयोग कर रहे हैं, निश्चय ही उनको सबको जो उत्साहवर्धन मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, उसके लिए मैं सभी मीडिया के साथियों का, प्रिंट मीडिया का विशेष रूप से उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।
गौतम बुद्ध नगर में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। नोएडा में कोरोना के 5 और मरीज पॉजिटिव मिले हैं। नोएडा में पीड़ितों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोरोना पर, ये अलग अलग 5 तस्वीरें जो अलग अलग स्थिति को बयां करती है। जहां एक तरफ लोग घबरा रहे हैं और जो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं वो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं बिना ये देखे, बिना ये समझे कि उनका ये कदम कितना घातक हो सकता है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि परिवार वालों के लिए भी। कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, लोग बेधड़क निकल रहे हैं सड़कों पर, दुकानों पर, और ये नहीं समझ रहे कि इसका नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ सकता है। तो देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केवल नोएडा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 27 पहुंच गई है। लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली के आनंद विहार से भीड़ की तस्वीरें वाकई विचलित करने वाली है। भीड़ के सैलाब को देखते हुए यहां ऐसा लग रहा है कि अगर यही हाल रहा तो कोरोना के संक्रमण को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली के केजरीवाल सरकार की तैयारियों को लेकर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। मनोज तिवारी ने वीडियो जारी कर कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी यूपी सरकार पर डालने के लिए साजिशन ऐसा किया। दोस्तों, एक बड़ी चिंता की बात है कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से मजदूर पैदल चल के यूपी बॉर्डर कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, उनके खाने का, उनके व्यवस्था का, भोजन का प्रबंध क्यों नहीं कर पाई लोकल गवर्नमेंट। किसने अफवाह फैलाई कि यूपी बॉर्डर पे गांव जाने के लिए बस मिल रही है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई साजिशन अपनी जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पर डालने के लिए ऐसा करी? अगर आप विचार करें कि योगी सरकार ने समय से बस की व्यवस्था नहीं की होती तो वहां क्या स्थिति होती? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इन समस्याओं का हल नहीं होगा, इसके लिए सही में ग्राउंड तक भेजना पड़ेगा। हम भेज रहे हैं ना, हम लोगों का, हमारा एक नंबर वायरल है, पर्सनल नंबर, उस पे SMS जो भी कर रहे हैं हम उनकी सहायता कर। देखो भैया, फोन 1 मिनट में 65-70 आ रहा है तो फोन तो सब मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगा। SMS करें, हम उनकी सहायता करें। जिनकी सहायता हो जा रही है वो रुक रहे हैं, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं। ऐसे में सभी मजदूर भाइयों से प्रार्थना करता हूं दिल्ली के, आप जहां हैं वहीं रहिए, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, सब पहुंचेगी। प्लीज इस संकट के समय में 14 अप्रैल तक सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को, बड़ा चेहरा बीजेपी के, जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार कहीं साजिशन तो ये सब नहीं कर रही है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, लेकिन ऐसे समय में समझना ये जरूरी है कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप डालने से ज्यादा जरूरी है कि ये जो भीड़ है इसे कैसे कम किया जाए, ये देखा जाए, ये उपाय किए जाए। वहीं लखनऊ में खाकी लॉकडाउन का पालन तो करा ही रही है, दूसरी तरफ मानवीय संवेदना को देखते हुए उन गरीबों को राशन और खाना भी दे रही है। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में पुलिस भूख से बेहाल लोगों के लिए मसीहा बनकर आई है। यहां पुलिस की टीम जैसे ही राशन, अपना खाना के पैकेट लेकर दिहाड़ी मजदूरों की बस्तियों में पहुंची तो मजदूरों की बस्तियों में जैसे मुरझाए चेहरों पर मुस्कान आ गई। पुलिस ने उमड़ती भीड़ को नियंत्रित किया, लोगों को घरों में रहने को कहा और भरोसा दिया कि हर किसी के लिए खाना है, हर किसी के लिए राशन है, लेकिन सबको घर में रहना है। खाकी के इसी दूसरे पहलू को बखूबी दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। आज जब कोरोना के चलते पूरा देश बंद है, सब कुछ बंद है, ऐसे में उन लोगों के लिए रोजी रोटी भी बंद हो गई जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ पुलिस मसीहा बनकर उभर रही है। लखनऊ के तमाम इलाकों में लखनऊ पुलिस के लोग जा रहे हैं, उन बस्तियों में जा रहे हैं जहां पर मजदूर पेशा लोग रहते हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। एक कृष्णानगर का ये इलाका है जहां पर अधिकारी खुद पहुंचे हुए हैं, लोगों को खाने के पैकेट्स बाँट रहे हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी को पैकेट बाँट रहे हैं। हमारे साथ एडिशनल DCP चिरंजीव नाथ सिन्हा सर हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो लोगों को खाना बांट रहे हैं। सर, ये बड़ी अच्छी पहल है ये उत्तर लखनऊ पुलिस के द्वारा, कहाँ कहाँ पे कोशिश की जा रही है और ये कैसे अरेंज किया गया, क्योंकि ये एक बड़े खर्चा भी है, ये पैसा लोग मदद कर रहे हैं, कैसे मदद हो रही है? यही भारत की शक्ति है
कि जब कभी कोई संकट आता है या कोई चुनौती आती है तो समाज के सभी वर्ग एक हो जाते हैं। इस समय कृष्णानगर में हैं कई समाजसेवी संगठनों एवं इंस्पेक्टर कृष्णानगर और जो ACP कृष्णानगर हैं उन सब के सौजन्य से ये व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर ये जो हमारे बहन हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, ये चूंकि ये दैनिक मजदूरी करते हैं, अभी काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। और ये उन लोगों के लिए मदद है जिनके घरों के हालात बहुत ख़राब रहते हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जिनके पास शायद एक दिन का भी खाना इकट्ठा नहीं कर पाते क्योंकि मजदूरी ही उनका पेशा होता है। एक ऐसे ही देखिए, छोटे बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, शहर में आते हैं, दूर दराज के जिलों से आते हैं। नहीं तो ये खाना ना मिल रहा है? मिल रहा है साहब, हाँ खाना मिल रहा है साहब। कब से जो है मतलब पहले कल से कल से भी बचा के रखा था? नहीं अब हमने हाँ बुबले द्वारा से मिला है खाना। मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, कल से मिला है, मगर इतने खन से मिला है खाना। हमने जो हमारा पूरी सर्किल में सभी पुलिसकर्मी इस बात के लिए तैयार हैं कि हम कुछ अपना कंट्रीब्यूट, रोज़ का जो हमारा खर्च होता है उसमें से कुछ हिस्सा इसमें भी खर्च करेंगे। साथ में समाज से ऐसे बहुत से जुड़े लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, हम उनको आगे आने के लिए कह रहे हैं, वो अपनी सुनिश्चित मात्रा में आटा, चावल, दाल, जिसके पास जो प्रोडक्शन है उस लेवल पर हमारी मदद आके कर रहे हैं। उनके माध्यम से हम पैकेट तैयार करा करके, जब तक, चूँकि एक बहुत बड़ा मुहिम है, प्रशासन के संसाधन सीमित होते हैं, सरकार के पास, सरकार अपनी तरफ से जो प्रयासें कर रही हैं वो भी बहुत अधिक है, फिर भी हम अपने स्तर पे जब तक ये लोगों का रीच मूवमेंट कम करने के लिए तत्काल इनकी आवश्यकता थी तो समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त करके इस पैकेट को तैयार करके वितरित कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तमाम लोगों की मदद से उत्तर प्रदेश पुलिस ये कर रही है, लिहाजा उन लोगों के लिए ये एक सबक भी है, एक शिक्षा भी है कि वो लोग भी मदद करें जो अपने घरों में हैं, जो सक्षम हैं कि किसी की मदद कर सकते हैं, दो वक्त की रोटी मुहैया करा सकते हैं। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा। और एक और बड़ी खबर वाराणसी से, कोरोना का दूसरा केस सामने आ गया है। 30 साल का युवक शिकार हुआ है। दीनदयाल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उसे भर्ती कराया गया है। UAE के कॉल सेंटर में ये नौकरी किया करता था और अब कोरोना पॉजिटिव ये शख्स पाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में इसको भर्ती करा दिया गया है। एहतियातन प्रशासन अब कदम उठा रहा है। दीनदयाल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शख्स को भर्ती करा दिया गया है और इसी के साथ वाराणसी में दो केस हो गए। और अब बात गाजियाबाद की, जहां डाक विभाग लगातार लोगों को ताजी और सस्ती सब्जी पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग की दो गाड़ियां सब्जी मंडी से सब्जी खरीदकर कॉलोनी और सोसाइटी में दे रही हैं। खास बात तो यह है कि डाक विभाग की टीम बिना किसी मुनाफे के ये काम कर रही है। जिस रेट में सब्जी मिलती है उसी रेट में ये लोगों को दे रहे हैं। इससे लोगों को एक तरफ जहां सब्जी ताजी मिल रही है तो वहीं सस्ती भी पड़ रही है। डाक विभाग के 30 कर्मचारी इस मुहिम में लगे हुए हैं। और नोएडा के भाजपा विधायक पंकज सिंह ने ट्विटर पर वीडियो डालकर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के मकान मालिकों से अपील की है। पंकज सिंह ने अपील में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अगर आपके किरायेदारों के पास तुरंत किराया देने के पैसे ना हो तो अगले एक या दो महीने का किराया बाद में ले लें, या फिर हो सके तो किराया माफ कर दें। नमस्कार, मैं पंकज सिंह आज अपने नोएडा विधानसभा और पूरे गौतम बुद्ध नगर के एक एक मकान मालिक से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप सब अपने अपने यहां रहने वाले किरायेदारों से अगर हो सके तो अगले कुछ महीनों तक का किराया टाल दें। बहुत अच्छा होगा यदि आप किराया माफ कर दें, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने अपने घर वापस जाने के प्रयास में आज सड़कों पर है, लेकिन लॉकडाउन है, बसें चल नहीं रही हैं, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, फ्लाइट्स उड़ नहीं रही हैं। ऐसे में वो लोग सड़कों पर हजारों की तादाद में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, पैदल यात्रा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में हम उन गरीबों को, उन मजदूरों को, उन किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते। आज उन सबको, हम सब लोगों के साथ का जरूरत है। और हमारा नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और मैं कहता हूं पूरा देश, आज अगर जो भी विकास दिखता है तो ऐसे में उन मजदूरों का अब खून पसीना लगा है, तब जाकर हमारा नोएडा, हमारा देश आज इतना विकसित हुआ है, चमकता हुआ हम सब देख पाते हैं। तो आज यह वक्त है कि हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। हो सके
तो उन सबको भोजन भी उपलब्ध हम सब लोग कराएं। यह वक्त है अपना धर्म निभाने का और अच्छा कर्म ही धर्म है, मैं ऐसा समझता हूं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसे सब लोगों के साथ हम लोग पूरे मन से, हम लोग पूरी ताकत से उन सब लोगों के साथ खड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के चौथे दिन भी दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर लोगों का हुजूम सड़कों पर दिख रहा है। लोग भूखे प्यासे ही अपने गांव के लिए निकल पड़े। वहीं पुलिस इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद कर रही है, उन्हें खाना पानी मुहैया करा रही है, साथ ही लोगों की मदद का हर संभव प्रयास कर रही है। नोएडा में लोगों को खाना पानी बांट रहे SP अरुण कुमार सिंह से ABP गंगा ने बातचीत की और उनसे पूछा कि वो कब से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन का आज चौथा दिन है और आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों और गांवों को जाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं, भूखे प्यासे, न वाहन है न कुछ, पैदल ही निकले हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि खाकी की मानवता किस तरीके से इन लोगों को खाना, फ्रूट्स और नमकीन वितरण किया जा रहा है ताकि ये लोग रास्ते में उसे खा सकें और अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। आप देख सकते हैं इस वक्त हम नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर जो नोएडा में पुलिस अधिकारी तैनात हैं ACP अरुण कुमार, वो अपने हाथों से लोगों को फ्रूट्स बांट रहे हैं, नमकीन बांट रहे हैं, खाने का पैकेट्स बांट रहे हैं और लोग देखिए किस तरीके से ले करके यहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग अपने गाँव के लिए निकले हुए हैं, इनको वाहन नहीं मिला है, इनको सवारी नहीं मिली है, इसलिए ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करने की सोच कर घर से निकले हुए हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं अरुण कुमार सिंह जी स्वयं मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से लोगों को आप फल बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं? देखिए, ये काफ़ी सारी पब्लिक है जो यहाँ से माइग्रेट हो रही है लगातार, और क्योंकि ये भूखे प्यासे हैं, बहुत दूर से चल के आ रहे हैं लगातार रोड पर, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको रास्ते में जो भी आवश्यक भोजन या फल या दवाई या जो भी, जिससे कि ये सकुशल अपने गंतव्य को पहुंच सके, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको रास्ते में उसकी सप्लाई देते रहे। तो सर, अब तक कितने लोग यहां से गुजर चुके हैं, कितने लोगों को आपने ये फ्रूट्स और खाने के पैकेट्स और नमकीन वितरण किए हैं? संख्या तो हम लोगों ने नहीं गिनी है, लेकिन ये कल रात से लगातार हम लोग चल रहे हैं, 24 घंटे हम लोग इस काम को कर रहे हैं। रात में भी बांटा है, दिन में भी हम लोग शुरू से लगातार बांट रहे हैं, और जितना हमसे संभव उतना कर पा रहे हैं पब्लिक के लिए। थे ACP अरुण कुमार, जिनका साफ तौर से कहना है कि इनकी जितनी क्षमता है ये उतना काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को भोजन, फ्रूट्स और पानी मुहैया करा रहे हैं। यानी जिस खाकी को लेकर के हमेशा हमारे और आपके मन में निगेटिव विचार रहते थे, लेकिन आज लॉकडाउन के समय पर सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में ये खाकी काम करती हुई नज़र आ रही है, और खाकी को ABP गंगा सल्यूट करता है कि इसी तरीके से जनहित में वो काम करते रहें और लॉकडाउन का पालन कराते रहें। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। तो उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट है ABP गंगा की तरफ से, जो ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों का साथ दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लॉकडाउन में पलायन कर रहे लोगों की हकीकत जानने के लिए ABP गंगा वाराणसी के NH2 पर पहुंचा, जहां रास्ते में कांधे पर झूला लेकर पैदल जाते हुए लोग दिखे। काफी लोग टोल प्लाजा के पास रुके ट्रक पर 1.5 दर्जन लोग सवार दिखे। जब हमारे सहयोगी नीतीश कुमार पांडे ने उनसे बात की तो पता चला कि खाने को नहीं था, इसलिए घर की तरफ रवाना हो चले। वाराणसी के डाफी टोल प्लाजा पर हम मौजूद हैं। ये ट्रक है और इस ट्रक के ऊपर लगभग 10 से 15 लोग सवार हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रक इन लोगों के लिए घर पहुंचने में मददगार साबित हुआ है। ये लोग घर जाना चाहते हैं, लेकिन क्यों जाना चाहते हैं इन लोगों से जानेंगे। अपने कैमरा पर्सन महोदय से कहेंगे कि थोड़ा आगे आएं। एक बात बताइए, आप लोग कहाँ से निकले हैं? हम निकले हैं झांसी से सर। झांसी से? हाँ, कोई साधन न मिलने से ये बेचारा लेके आ रहा है हम लोग को। अच्छा, तो मुख्यमंत्री और बाकी और पूरे प्रशासन तो कह रहा है कि जहाँ है वही ठहरे रहे? नहीं नहीं, बोले थे कि सब लोग निकल जाओ। कौन बोला था? साहब बोले थे।
आप बोलिए, अभी अभी इसी से कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग ये झारखंड जा रहे हैं। झारखंड जा रहे हैं, कहीं कुछ खाने पीने के इंतजाम कैसे काम चला रहे हैं आप? हम लोग ऐसी अभी भूखे हैं। कितने दिनों से? आज दो दिनों के भूखे हैं। दो दिनों से लगातार यात्रा कर रहे हैं? नहीं तो आज ही जा रहे हैं हम लोग। पैदल ही निकल गए? ये लोग पैदल ही निकल गए थे। आपको ये लोग कहाँ मिले? कहाँ? वहाँ पे इलाहाबाद में। इलाहाबाद में? तो ट्रक के जो ड्राइवर हैं, ट्रक के जो चालक हैं, जो सह चालक हैं, वो इन लोगों की मदद के लिए आ गया है और इनको घर तक पहुंचाने में, जहां तक ये जा सके वहां तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे हैं ये ट्रक ड्राइवर, इनके सह चालक। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और बलरामपुर में लोगों ने कोरोना से दो दो हाथ करना शुरू कर दिया है। लोगों ने मोहल्ले की गलियों को पटरी, बल्ली और तख्तों को लगाकर बंद कर दिया है और पोस्टर चिपकाकर बाहरी लोगों के मोहल्ले में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन पोस्टरों पर लिखा है कि सावधान, कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाहरी व्यक्तियों के आने पर रोक है। जनता की इस पहल से एक तरफ जहां प्रशासन को कुछ राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना जैसे संक्रमण से दो दो हाथ कर इंसानी जिंदगियों को बचाने में कामयाबी मिल रही है। सहारनपुर में अब जनता को खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने होम डिलीवरी की व्यवस्था कर दी है, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी बहाने बनाकर सड़कों पर घूम रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लेकर सहारनपुर पुलिस पूरी तरह सख्त हो गई है और अब बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जो लोग बेवजह सड़कों पर नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ ड्रोन की फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं इससे पहले सहारनपुर में 800 से ज्यादा वाहनों को कर करीब 2000 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। गाजियाबाद में भी घर वापस लौटने वाले पैदल यात्रियों के लिए लोगों ने भोजन का इंतजाम किया है, ताकि मुश्किल की इस घड़ी में ऐसे जो भी लोग हैं उनको सफर में भूखे नहीं जाना पड़े। लाल कुआं और नेशनल हाईवे पर गाजियाबाद की जनता जगह जगह ऐसे भोजन करा रही है। लखीमपुर खीरी में मजदूरों का कोरोना के खतरे को देखते हुए काम करने से इनकार करने पर गन्ना फार्मर ने गुस्से में अपनी बंदूक से फायर कर दिया। गनीमत यह रही कि मजदूर बाल बाल बच गए। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने गन्ना फार्मर को बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही, आगे जरूर देखें उत्तराखंड प्राइम।